प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। अब हम सोमेश्वर मंदिर के पास सोमेश्वर झरना देखने जा रहे हैं। यह झरना नासिक स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो से 1 घंटों में पहुंच जाओगे। यह झरना देखने के बाद आप वनी या त्र्यंबकेश्वर जा सकते हो। त्र्यंबकेश्वर यहाँ से पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर है। वनी यहाँ से 72 किलोमीटर उत्तर की ओर है। मानसून निश्चित रूप से प्राकृतिक दृश्यों का पूरा आनंद लेने का सबसे अच्छा समय है। सुखद और शांतिपूर्ण समय का आनंद लेने के लिए युवा शाम के समय इस जगह पर रुकना पसंद करते हैं। हम यहाँ मानसून में आए हैं। बरसात हो रही है। झरने में पानी तेज गति से बह रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा हेतु यहाँ स्वयंसेवक मौजूद है। यह आपको झरने के नजदीक जाने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ दो हादसे हुए हैं। लोग गर्मियों के दौरान इस झरने को पिकनिक स्थल के रूप में जाना पसंद करते हैं ताकि झरने के पानी की ठंडी हवा के पास गर्मी को मात दी जा सके। अगर हम गर्मियों के दौरान आते तो पानी का यह दृश्य देखने नहीं मिलता। ठंडी हवा बह रही है। झरने का कोलाहल आपको भी सुनाई दे रहा है। यहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत है, इसलिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। दोपहर का समय है मगर सूरज दिख नहीं रहा। आसमान में काले बादल दिख रहे हैं। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।